नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आइए जानते हैं आज की जौनपुर की 10 बड़ी खबरों को। जिलाधिकारी ने क्रॉप कटिंग कराकर उत्पादकता का किया अवलोकन। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा रविवार को सिरकोनी क्षेत्र के हौज गांव निवासी कृषक बबाऊ सिंह के खेत में लगी धान फसल की क्रॉप कटिंग का अवलोकन कर उत्पादकता का हाल जाना गया। प्राप्त रेंडम नंबर के खसरा में त्रिफल 43.33 वर्ग मीटर की कटाई कराकर तौल करवाई गई, जिसमे 20.06 किलोग्राम उत्पादन प्राप्त हुआ। इस प्रकार एक हेक्टेयर की उत्पादकता 46.138 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त की गई। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट ऐप के माध्यम से उस पर तत्काल जिस समय क्रॉप कटिंग होती है उसी समय समस्त आंकड़ों को भरना होता है। इस प्रकार बिना स्थल पर आए हो क्रॉप कटिंग संभव नहीं है, तत्काल आंकड़े ऑनलाइन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मेरा गांव में क्रॉप कटिंग थी और यहां पर मेरे साथ जिलाधिकारी भी हैं, राजस्व विभाग के लेखपाल, किसानों को कृषि विभाग के अधिकारी हैं और जिन कृषक भाई की नाम ये रैंडमली आता है वो नरेंद्र जी नाम आता है, इनके खेत से हम लोगों ने एक सर्वे करके काटा है और यह आंकड़ा इसलिए आवश्यक है कि कितना औसत उपज पूरे जनपद में हुई है क्रॉप कटिंग के एक्सपेरिमेंट से उसका अध्ययन किया जाता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि कहीं अगर औसत से कम वो होता है। वहीं आपको बता दें कि पुलिया डालने के लिए ग्रामीणों ने किया विरोध। मीरगंज मछलीसर वाराणसी NH निर्माण के दौरान चौकी कला गांव के पास नहर की नाली पर पुलिया नहीं डालने पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किए। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिया नहीं डालने से सिंचाई कार्य प्रभावित हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि जन आरोग्य मेले में 16 मरीजों का हुआ इलाज। मछलीसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमालापुर में रविवार को जन आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में आए कुल 16 मरीज का इलाज किया गया। मेले में इलाज कर रहे डॉक्टर RK यादव ने बताया कि मेले में 3 पुरुष और 18 महिलाओं और 1 बच्चे का इलाज किया गया। सीजनल बुखार से ग्रसित लोगों की मलेरिया किट द्वारा जाँच की गयी, किंतु वे भी निगेटिव पाए गए। वहीं आपको बता दें कि जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर वंदना ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरित मानस लिखकर घर घर में श्री राम जी के आदर्शों को पहुंचाने का कार्य किया। प्रभु श्री राम करोड़ों भारतवंशियों के हृदय में विराजमान है। वह रविवार को लव प्रतिष्ठित कथावाचक स्वर्गीय पंडित दिनेश कुमार मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक तुलसी का कीर्ति स्तंभ श्री रामचरित मानस के लोकार्पण समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोल रही थी। यह कार्यक्रम तिलकधारी महाविद्यालय के बलरामपुर सभागार में आयोजित किया गया था। कुलपति ने श्री राम जी के चरित्र की सुंदर व्याख्या मानस दीनकर पंडित दिनेश कुमार मिश्र ने सदा अपने प्रवचन में लोक पक्ष को ध्यान में रख कर किया है, जो वंदनीय और अनुकरणीय है। उन्होंने उनकी 50 वर्षों की कथा को पुस्तकाकार स्वरूप देने के लिए संपादक द्वारा प्रोफेसर मनोज मिश्र एवं डॉक्टर दीपा शुक्ल को बधाई दिया। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से संस्कृत माध्यमिक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के समस्त छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के शुभारंभ के सजीव प्रसारण को कलेक्टर सभागार में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री खेल एवं युवा कल्याण गिरीश चंद्र यादव, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सहित उपस्थित अधिकारी कर्मचारी एवं छात्रगण की उपस्थिति में देख किया गया। प्रथमा से लेकर आचार्य तक जो हमारे संस्कृत विद्यालय में छात्र पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, उन सबके छात्रवृत्ति वितरण प्रमाण वितरित किया गया है और पूरे प्रदेश में 69,195 छात्रों को RTGS के माध्यम से उनको जो है छात्रवृत्ति दी गई है। निश्चित रूप से ये एक तरह से हमारे देश की जो संस्कृति है, जो देश की पहचान है, उस धरोहर को। पूर्वांचल युवा महोत्सव पूर्वांचल के युवाओं को दे रहा है बेहतर प्लेटफॉर्म। पूर्वांचल के कोने कोने से आए कलाकारों ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति। 3 दिवसीय पूर्वांचल युवा महोत्सव का
रहा आज दूसरा दिन। आपको बता दें कि पूर्वांचल युवा महोत्सव के आज दूसरे दिन पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर मन मोह लिया। कलाकारों को प्रोत्साहित करने व विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय योगदान देने वाले को सम्मानित करने के लिए तीन दिवसीय पूर्वांचल युवा महोत्सव का शनिवार को शुभारम्भ हुआ है। वहीं आपको बता दें कि थाना लाइन बाजार पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया के सहयोग से गुमशुदा बच्ची को 4 घंटे के अंतर उनके माता पिता को किया गया सुपुर्द। आपको बता दें कि बच्ची जिसकी उम्र लगभग 4 साल है, थाना लाइन बाजार पर एक व्यक्ति द्वारा लाया गया तथा बताया गया कि यह अपना घर भूल गई है, सड़क पर घूम रही। तत्पश्चात थाना पुलिस द्वारा बच्ची की गुम होने के संबंध में मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया गया। लगभग 4 घंटे बाद बच्ची को उनके माता पिता के पास सुपुर्द किया गया। वहीं आपको बता दें कि जनपुर में मात्र शिशु महिला कर्मचारी संघ चुनाव रविवार को साहू धर्मशाला में आयोजित किया गया। इसमें सर्वसम्मति से रुकमणी राय को अध्यक्ष, पार्वती मौर्य को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अभिलाषा रावत को उपाध्यक्ष, शिल्पा यादव को मंत्री, कृष्णा सिंह को संगठन मंत्री, मंजू को कोपाध्यक्ष, उर्मिला यादव को सांस्कृत मंत्री, रीता शर्मा को ऑडिटर चुना गया। चुनावी अधिकारी उपेंद्र सिंह को मौजूदगी में नई कार्यकारिणी का चयन किया गया। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष धनंजय तिवारी और प्रांतीय मंत्री दीनानाथ कुशवाहा प्रांतीय प्रतिनिधि के रूप में एडिशनल CMO डॉक्टर प्रभात कुमार उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के द्वारा विकासखंड सिरकोनी के ग्राम हौज स्थित शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को नमन किया गया। शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा शहीदों के बलिदान उनके गौरव गाथा को याद करने के लिए जिस प्रकार से विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इससे आम जन तथा आने वाली पीढ़ी में त्याग समर्पण और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होगी। वहीं आपको बता दें कि जौनपुर में पीरान ए पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस ए पाक की ग्रामीण शरीफ अगीकत खुलूस के साथ मनाई गई। फातिह खानी के बाद मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी गई। देर रात तक चली जश्ने गसुलवरा की महफिल में नाप पेश कर समाबाद रखा गया। सही और सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।